बहुत सारे ढाबे ट्राई किया हूँ आकर यहाँ पे, और जिस तरीके से आप लोग खाना बनाते हैं, तो चावल खाना हो मतलब फ्राई करना हो जो भी मतलब सादे खाने में जो भी आता है सब बनाए, ठीक है खाना शाकाहारी भोजन बनाते हैं सब अच्छा लगा, चावल दाल रोटी सब्जी सादा खाना जो है शरीर के लिए स्वास्थ्य अच्छा होता है। हाँ ये ढाबा देखिए कोई हाई फाई नहीं है, सस्ते में सबसे चीपेस्ट आपको यहाँ पे भोजन मिल जाएगा और सबसे सस्ते में जो लोग सस्ते में अच्छा खाना खाना चाहते हैं आज उनके लिए ये वीडियो है, आप लोग वीडियो को पूरा देखना। और अभी मैं जिस लोकेशन पे हूँ, जिस स्थान पे हूँ, ये देख सकते हैं ये खलीलाबाद है, संत कबीर नगर जिले का ये खलीलाबाद है और खलीलाबाद स्टेशन है बगल में, और देखिए ये रास्ता जाता है और इधर फटकी पड़ेगा उसके जस्ट बगल खलीलाबाद स्टेशन है। और यहाँ पर एक बहुत ही बेहतरीन कहा जाए, क्योंकि मैं इसलिए बेहतरीन कह रहा हूँ, यहाँ पर मैं लगातार 3 दिन से या 4 दिन से यहाँ पर मैं खाना खा रहा हूँ, और यहाँ पे अगर लोकल में देखा जाए, मैंने ट्राई भी किया है और सारे ढाबे पे, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा देखा जाए तो चिकन वगैरह ये सब बनाया जाता है, लेकिन इनका एक ऐसा ढाबा है श्याम भोजनालय, एक ऐसा भोजनालय, एक ऐसा ढाबा है जहाँ पे आपको बिल्कुल फ्रेश और बिल्कुल ताज़ा ताज़ा खाना मिलेगा। तो आइए चलते हैं ढाबे में, और ढाबा देखिए कोई हाई फाई नहीं है, सस्ते में सबसे चीपेस्ट आपको यहाँ पर भोजन मिल जाएगा और सबसे सस्ते में खाना गर्मा गर्म और बेहतरीन खाना आपको मिलेगा। ये देख सकते हैं ये ढाबा है इनका, श्याम भोजनालय के नाम से इनका है, और लोकेशन भी मैं चाचा जी से अभी कंफर्म कर लेता हूँ ये लोकेशन कहाँ पे है। और देख सकते हैं ये दो चाचा और भतीजे हैं ये, और मिल के इस ढाबे को चला रहे हैं। आइए इनसे बातें करते हैं, ये छोटा सा इनका सेटअप है ढाबे का, आइए अंदर आते हैं और देखिए इस यहाँ पे पूरा लगाया गया है सेटअप जो बैठने के लिए लगाया जाता है, कस्टमर आते हैं। और इस समय देखिए ये छोटा सा इनका भोजनालय, बात करना चाहेंगे चाचा जी से, क्या नाम हुआ चाचा जी आपका? हमारा नाम श्री श्याम लाल जी है। अच्छा, ये लोकेशन जो आपका ढाबे का लोकेशन है, ये लोकेशन कहाँ पे है, किस स्थान पे? ये पुराना रोडवेज के पास है, पालिका मार्केट नाम है इसका, पुराना रोडवेज है ये। अच्छा, हाँ आप दोनों लोग इस ढाबे को कितने दिनों से या कितने सालों से चला रहे हैं? ये 35-40 साल हो गया लगभग हमको। अच्छा, इसके पहले कौन चलाता था? पहले हमारे पिताजी चलाते थे, चाय की दुकान की ओर करते थे जी। हाँ। तो फिर आप लोग चला रहे हैं? हाँ, हम चला, हमारे पिताजी देहांत हो गया, अब हम चला रहे हैं। अच्छा, तो लगभग मतलब 40-45 साल से आप लोग? 40-45 साल से हम लोग चला रहे हैं। आपका जो खाना बनाने का तरीका है, मैंने बहुत सारे ढाबे ट्राई किया हूँ आकर यहाँ पे, और जिस तरीके से आप लोग खाना बनाते हैं, क्या पहले भी आप ऐसी इसी तरीके से भोजन? पहले हम लोग शुरुआत में जो है, मैं काम करते करते मेरे को ज़्यादा अनुभव हो गया, तो हम इसी तरह अपने खाना जो है बनाते हैं। और भी सारे ढाबे हैं, वहाँ पे ज़्यादातर चिकन बनता है, और खलीलाबाद में देखा जाए जिस जगह पे ये है लोकेशन है, यहाँ पे ज़्यादातर चिकन मटन ये सब ज़्यादा बनता है, लेकिन आप लोग वो काम नहीं करते हैं? नहीं, जो हम खाते भी नहीं हैं। अच्छा, आप नहीं खाते? हम खाते भी नहीं हैं, सादा खाना बनाते हैं, इसलिए कि जो है सादा खाना जो है शरीर के लिए स्वास्थ्य अच्छा होता है जी। हाँ, ये आपके आपका क्या नाम हुआ? राम अमृत। आप दोनों आप रोटी बेलते हैं, देखे हैं रोटी आप बेल रहे थे, कितने दिन से आप ऐसा ये काम कर रहे हैं? जब से दुकान खुला तब से हम बेले हैं। अच्छा, थाने में भी खाना बनाते थे? अच्छा, थाने में? हाँ, थाने में। अच्छा, भंडारी जी। आप लोग दोनों लोग एक साथ ढाबे में काम करते हैं, कभी आप लोगों से मतलब झगड़ा उगड़ा तो नहीं होता है? झगड़ा होता रहता है दुकान पे, होता रहता है, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसे तो होता है, क्योंकि मैं ऑफ कैमरे में देखा आप लोग आपस में थोड़ा सा ये होता रहता है। तो अच्छा, क्या मतलब कभी ऐसा कुछ हुआ हो जो आप कस्टमर के सामने कभी ऐसा नहीं कही होंगे? कोई ऐसी बात नहीं होती है, कोई बात नहीं, हम लोग करते रहते हैं, मतलब प्रेम है एक थोड़ा से है कि नहीं? हम लोग झगड़ा नहीं करते हैं किसी, साथ में आप लोग काम करते हैं। हाँ हाँ, चलिए अभी क्या पका रहे हैं? लड़का हमें बोलेंगे, हम जो गलत करेंगे बोलेंगे जी जी। क्या पका रहे हैं अभी आप? दाल, दाल ये देख सकते हैं, दाल अभी पक रहा है। और चाचा जी क्या क्या खाना यहाँ मिलता है, जैसे मान लीजिए कोई खाना आता है? तो आमतौर हम जो है चावल दाल रोटी सब्जी यही बनाते हैं, और मान लीजिए किसी को पनीर खाना हो और चावल खाना हो मतलब फ्राई करना हो जो भी मतलब सादे खाने में जो भी आता है सब बनाएंगे, मतलब ऑर्डर देने पे आप बनाएंगे वैसे आप? हाँ, क्या प्राइस है थाली का, क्या प्राइस है? प्राइस हमारे यहाँ 70 रुपया थाली है, 4 रोटी हाफ चावल दाल सब्जी सलाद यही है, 70 रुपया थाली है। 70 रुपया। आपका चटनी जो है, जो आपका चटनी जो बनाते हैं वो बहुत बेहतरीन लगा, काफी अच्छा लगा। आप किस चीज का चटनी बनाते हैं? चटनी हम धनिया का, लहसुन, अदरक, यही मिर्चा डाल करके बनाते हैं, मतलब देखा जाए एकदम फ्रेश चटनी। आप खाएंगे यहाँ इस ढाबे पे आएंगे तो आपको लगेगा कि हाँ मैं किसी ढाबे में आया हूँ। ये देख सकते हैं यहाँ पे लोग खाना खा रहे हैं, और इस तरीके का यहाँ पे बैठने के बाद देखिए कोई हाई फाई नहीं है, लेकिन अब चीपेस्ट जैसे बोलते हैं ना, सबसे सस्ता लोग आते हैं ढाबे ढाबा खोजते हैं, सबसे सस्ता ढाबा, तो उस जगह पे आपको मिल जाएगा।
और आइए कुछ लोग हैं, थोड़ा सा बात करते हैं क्योंकि चाचा हैं, हो सकता है अपने ढाबे के लिए थोड़ा सा बड़ाई करते हो। चाचा जी हमारे साथ है, कहाँ हुआ घर आपका? यहीं पर रहते हैं। अच्छा, ये जो ढाबा चल रहा है कितने सालों से लगभग चल रहा है, आप कितने साल देखे बहुत? हमारे होश से तो 35 साल से चल रहा है। 35 सालों से? उसके पहले इसके पिता चलाते थे। जी, आपने कभी खाना खाया इनके ढाबे? खाया है। कैसा लगा आपको? ठीक है, खाना शाकाहारी भोजन बनाते हैं सब, अच्छा लगा। चावल दाल रोटी सब्जी खाए। जिस हिसाब से पैसे ले रहे हैं उस हिसाब से खाना? हाँ सही है, सही। पहले 30 रुपया लेते थे, फिर 40 रुपया महंगाई बढ़ रही है। महंगाई देखिए क्या होता है कि अभी मैं वीडियोस बना रहा हूँ, अभी 70 रुपया ले रहे हैं, हो सकता है आगे चल के और भी प्राइस बढ़ जाए महंगाई के हिसाब से, तो उस हिसाब से प्राइस रखते हैं खाने का। भैया आप क्या नाम हुआ आपका? पवन कुमार प्रजापति। अच्छा, आप यहीं से हैं जी? तो खाना आपने कभी खाया कि नहीं? हम लोग डेली खाते हैं। डेली खाते हैं? हमारा घर ही है तो खाएंगे नहीं। अच्छा अच्छा, लोगों को सजेस्ट करना चाहेंगे जो लोग दूर से आते हैं और खोजते रहते हैं ना कि ढाबा सस्ता वाला कहाँ है, तो क्या लगता है आपको? बहुत बढ़िया, सबसे सस्ता सबसे बढ़िया खाना यही देते हैं आप ही। अच्छा चलिए, तो ये रहा लोगों का रिव्यू इस ढाबे को लेकर के। और मैं आपको बताना चाहूँ, मैं यहाँ पे खाना खाया था इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, कोई पैसे लेकर नहीं बना रहा हूँ। सबसे पहले आपको बता दूँ, चाचा जी आपसे कोई पैसे मैंने नहीं लिया ना वीडियो बनाने का, कोई पैसे नहीं लिया ना, तो मैं सिर्फ मुझे पसंद आया क्योंकि मैं ऐसे भटक रहा था, अचानक जब वो इनके ढाबे पे आते हैं तो ये काफ़ी बेहतरीन भोजन और सादा भोजन देते हैं और काफ़ी सस्ता है। मतलब इतने सस्ते में गर्मा गर्म रोटी, गर्मा गर्म चावल, गर्मा गर्म दाल, ये मतलब घर के सिवा और कहीं पे नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। अगर आप लोगों को ये लगता है कि यहाँ का जो इनका ढाबा, यहाँ पर खाना सस्ता मिलता है, एक बार यहाँ पर श्याम भोजनालय पर आके ज़रूर ट्राई करिएगा और काफ़ी सस्ते में आपको भोजन चाचा जी खिलाएंगे, वो भी गर्मा गर्म।